झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के लिए वीडियो है जीएस पेपर वन के लिए, जिसमें ज्योग्राफी में आज बताएंगे कि भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और ज्वालामुखी दोनों के बनने के कारण क्या है। खास तौर पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है जिसमें दिया जाता है कि भूकंप की गतिविधियों का कारण क्या होता है और भारत में इसके कौन कौन से मुख्य कारण है, साथ ही साथ वर्ल्ड के डिस्ट्रीब्यूशन को बताएं। ज्वालामुखी में भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ वोल्केनो विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, एंड अलग से क्वेश्चन देगा कि विश्व के मानचित्र पर ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र को दिखाते हुए बताएं कि इसके कारण कौन से हैं। हमने आपकी सुविधा के लिए बोर्ड में दोनों चीज लिख रखा है, अर्थक्वेक और दूसरे साइड में वोल्केनो है, तो आपको हम बताएंगे कि अर्थक्वेक जो है ये बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी का कंपन है। कुछ छोटे छोटे जो अर्थक्वेक होते हैं इसको ट्रेमर्स बोला जाता है। अर्थक्वेक आने के सीधा क्वेश्चन पर आ जाएंगे कि अर्थक्वेक का जो कारण है इसमें सबसे प्रमुख कारण होता है प्लेट टेक्टोनिक। जैसे आप जानते हैं कि प्लेट का मतलब क्रस्ट, यानी कि 30 से 35 किलोमीटर जो पृथ्वी की थिकनेस है इसको प्लेट कहा जाता है, और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बताया गया है। इस थ्योरी को टूजो विल्सन ने प्रतिपादित करते हुए बताया कि जितने भी प्लेट हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि सारे प्लेट मूवमेंट में है, और मूवमेंट में एक ऐसा प्लेट है जो न्यूट्रल प्लेट होता है। जो न्यूट्रल प्लेट होता है इसकी न्यूट्रल प्लेट की ये खासियत होती है कि दो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल मूव करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई प्लेट है और ये एक प्लेट है, सोचिए इस कंडीशन पर है, और इसमें से ये दोनों एक दूसरे से ऐसे अलग नहीं हो रहे और ना ही एक दूसरे से ये कन्वर्ज कर रहा है, बल्कि ये दोनों प्लेट क्या है कि स्लाइटली पास टू इच अदर हो रहा है। देखिए ऐसे ये धीरे पास टू इच अदर हो रहा है ड्यू टू मैग्मा। पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है वो प्लेट को मूवमेंट करवा रहा है। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया के पास अगर देखेंगे आप तो सैन एंड्रियास फॉल्ट है, और सैन एंड्रियास फॉल्ट के पास जो मैग्मा है वहां पर दो प्लेट को एक दूसरे से जोड़ करके वह स्लाइटली पास टू इच अदर हो रहा है, मतलब एक दूसरे के विपरीत दिशा में ना जाकर के घर्षण बल से अलग हो रहा है, और इसके चलते भूकंप आता है। अब इसको अगर आप मैप के रूप में देखना चाहें तो आप समझें कि एक एक ये प्लेट है और एक इसके बगल में एक प्लेट है। अब देखिए कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे के पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इस ये जो प्लेन दिख रहा है इसको फॉल्ट बोलते हैं ज्योग्राफी में, तो इस फॉल्ट के अलोंग ये दोनों अलग हो रहा है, ये दोनों अलग हो रहा है, और ये दोनों जब अलग हो रहा है ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर खिसक रहा है, ये दोनों। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये दोनों जो ब्लॉक है इसके एक टेंशन फोर्स क्रिएट हो रहा है, और जैसे ही घर्षण बल से अगर एक सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर का मूवमेंट होता है तो इस ब्लॉक में जैसे ये फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन के चलते यहां पर वेव्स जनरेट हो जाएंगे, जिसमें पी वेव, एस वेव और एल वेव बनता है। आपको थोड़ी जानकारी के लिए बता दें कि पी वेव जो होता है ये जो अर्थक्वेक में आप साउंड सुनते हैं घर करके जो आवाज आता है ये पी वेव का होता है, और पी वेव सॉलिड और लिक्विड गैसियस तीनों मीडियम में चलती है। इसी से पता चलता है कि इनर कोर जो है वो सॉलिड अवस्था में है, जो एस वेव है वो सिर्फ लिक्विड में गमन करता है, और एल वेव जो होता है ये जहां पर सबसे पहले जाएगा वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है भूकंप के समय। तो पहला इस स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, हम यहाँ नीचे थोड़ा इस पॉइंट को हटा दे रहे फिर बाद में लिख देंगे इलास्टिसिटी ऑफ रॉक को,
और टैन और टेन एल। अब देखिए दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्लेट इस प्रकार से मूवमेंट करे और दोनों का ऐसा देखिए कॉमन बाउंड्री, ये कॉमन बाउंड्री है इस प्लेट का और इस प्लेट का, ये दोनों का एक कॉमन बाउंड्री है और इस कॉमन बाउंड्री के होने के चलते क्या होता है कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस यहाँ भी वर्क करना शुरू कर देती है और इसके चलते दोनों में भूकंप की चांसेस बन जाएंगे। अब ऐसा जोन कहाँ पर है, तो अगर आप देखेंगे तो ये जोन ज़्यादा अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा कैलिफोर्निया के पास है जहाँ पर सैन एंड्रियास फॉल्ट है। सैन एंड्रियास ये फॉल्ट के पास में कैलिफोर्निया से प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है दोनों ज्वाइंट है और ज्वाइंट होकर एक दूसरे के पैरेलल जा रहा है और इसी पैरेलल में हो सकता है कि भूकंप बहुत ज्यादा तेज गति से आ जाए। ऐसे दूसरे जोन जो है वो इंडोनेशिया के पास है, अगर आप जोन लिखना चाहें तो सेकेंड जोन इंडोनेशिया के पास है और तीसरा हिमालय के पास है। अब देखिए जितने भी प्लेट है अधिकांश प्लेट की प्रकृति जो है वो एक जैसी है क्योंकि कॉन्टिनेंटल भी है और समुद्री भी है, मैंने ऑशनिक भी है, तो दोनों कैरेक्टर को लेकर के है और साथ में टूट भी नहीं रहा है, जुट भी नहीं रहा है, तो स्लाइटली पास टू ईच अदर हो रहा है, इसको ट्रांसफॉर्म भी बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी बोला जाता है। तो ये आप अगर इसको समझ गए होंगे तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद हम आपको दूसरा सेक्शन बताते हैं। तो इसको हम फिलहाल के लिए इरेज कर दिए और अब बताइए सेकेंड पॉइंट जो है जिसमें है कि इलास्टिसिटी, मतलब जो चट्टान होती है उसकी इलास्टिसिटी, इसका नाम है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जिसमें बताया जाता है कि जैसे रबड़ को आप खींचते हैं तो रबड़ की एक इलास्टिक लिमिट होती है, वैसे प्रत्येक चट्टानों का एक इलास्टिक लिमिट होता है, इलास्टिसिटी होता है। ये चट्टान फोल्ड होकर के प्रेशर के बाद देखिए इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा और जब इलास्टिक लिमिट बताता है कि ये टेंशन फोर्स पर ऐसे है लेकिन ये स्ट्रक्चर ये ट्राई कर रहा है अपने पुराने स्ट्रक्चर पे आने का, देखिए पहले ये ऐसे था और फिर धीरे धीरे फोल्ड होते होते ये इस प्रकार से शेप हो गया। तो ये अगर वर्ष में थोड़ा भी मूवमेंट होता है, थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इलास्टिक इलास्टिसिटी जो इसका है ये सेडिमेंट्री रॉक पर ज्यादा होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक के चलते ये इलास्टिक इसका वापस आएगा और जैसे ही वापस आएगा तो भूकंप का चांस हो जाएगा और तेज गति का भूकंप पूरे भारत में आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है, थर्ड जो होता है ये है कि डैम बनाना या टनल बनाना, सुरंग बनाना। तो जब डैम बनाया जाता है तो इसमें यहां पर वाटर काफी बड़ी मात्रा में जमा होता है। इस प्रकार का भूकंप दक्षिण भारत के लातूर में कोयना डैम के चलते आया था, सरदार सरोवर डैम को लेकर के इस पर आपत्ति भी दर्ज की गई थी। तो जो डैम होता है उसमें जब पानी जमा होता है तो धीरे धीरे क्या होता है वो दबता है, मतलब चट्टान जो है ये चट्टान ये धीरे धीरे प्रेशराइज हो रहा है, दब रहा है और जब धीरे धीरे नीचे दब रहा है चट्टान तो क्या होता है कि पूरी रॉक स्ट्रक्चर वहां के नीचे आ गया। हजारों साल के बाद कभी डैम सूख गया, ये डैम को खाली करना पड़ा फ्लड के समय में, तो पूरी पानी जब छोड़ दिया जाएगा तो वो चट्टान वापस रिगेन करेगा, जो प्रोफेसर रीड ने इस थ्योरी को दिया था और जिसमें बताया गया कि जितनी चट्टान है वो रीएडजस्ट होती है पृथ्वी के अंदर में, तो जैसी चट्टान रीएडजस्ट होगी वापस आएगी तो पूरी इलाके में अर्थक्वेक जनरेशन शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से सुरंग बनता है, सुरंग बनता है तो पृथ्वी के स्ट्रक्चर को काट करके बना और जब पृथ्वी के स्ट्रक्चर को काट करके बना तो वहां पर भी चांस हो जाता है भूकंप आने का। और साथ में माइंस में जो ब्लास्ट कराए जाते हैं
इसके चलते भी भूकंप की चांसेस बन जाती है। आमतौर पर भूकंप जो है वो एस्थेनोस्फेयर में बनता है। जो एस्थेनोस्फेयर है, ये एस्थेनोस्फेयर लिथोस्फेयर के नीचे होता है। पृथ्वी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे ऊपर जो पार्ट है ये लिथोस्फेयर है और इसके नीचे ये एस्थेनो होता है, इसके नीचे मेसोस्फेयर होता है और इसके नीचे सबसे नीचे बैरियोस्फेयर होता है। तो इसके चलते क्या होता है कि धीरे धीरे ये वाला जो पार्ट है ना, एस्थेनो, ये भूकंप का जोन है। आप ऐसा पिक्चर बना करके दिखाएंगे, यहां पर भूकंप होता है जिसमें तीन कैटेगरी होता है। एक 100 किलोमीटर से ज्यादा गहराई पर है, दूसरा 100 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच है और तीसरा 70 किलोमीटर से नीचे। तो ये हो गया डीप फोकस, ये हो गया मीडियम फोकस और ये हो गया शैलो फोकस। ये तीन प्रकार के जनरली अर्थक्वेक पाए जाते हैं। फिर अर्थक्वेक में शैडो जोन भी बनता है जो पी वेव, एस वेव और एल वेव का होता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन दिया जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ होगा, जहां पर एल वेव होगा, एपिसेंटर पे नहीं होता, मतलब ये अगर फोकस है जहां पर बना है और इसके ठीक ऊपर एपिसेंटर है, तो यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान नहीं हो करके जब वेव जो जनरेट होती है पी एस और एल, तो एल वेव सबसे स्लो है लेकिन ये पृथ्वी पर सबसे पहले जहां पहुंचेगा यहां पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा, इसलिए क्योंकि स्लो में वाइब्रेशन ज्यादा तेज हो रहा है इसके चलते होता है। और जहां पर हार्ड रॉक है जैसे छोटा नागपुर में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में भूकंप नहीं आता है, क्यों? क्योंकि यहां पर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन को टॉलरेट कर लेता है, तो उसके ऊपर से कोई वेव जा नहीं पा रहे। लेकिन नॉर्थ इंडिया में आप जाएंगे, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो भूकंप ज्यादा आता है। दो कारण है, एक तो कि हिमालय का जो थ्रस्ट है नीचे की ओर गोंडवाना लैंड का, ये थ्रस्टिंग ज्यादा है तो उससे पूरा हलचल शुरू हो जाता है, और दूसरा वहां पर सेडिमेंट्री चट्टान ज्यादा है तो उसमें से वेव इजिली पास हो जाता है, तो ये सबसे बड़ा कारण होता है भूकंप आने का। चलिए अब बात करेंगे भारत में जो भूकंप की गतिविधियां है वो कहाँ कहाँ पर है। पहला जो हिमालयन जोन है, दूसरा गुजरात, तीसरा कोस्टल बे, फोर्थ अंडमान निकोबार, ये जो भूकंप लार्ज स्केल में जब आएगा तो उसको सुनामी कहा जाता है। तो ये भी हम अलग से एक सुनामी पर भी वीडियो आपको देंगे, मेल्स में कैसे लिखते हैं इसको। तो चलिए ये अर्थक्वेक के बारे में हमने आपको बताया कि कहां कहां पर आता है। अब आपको बताएंगे वोल्केनो के बारे में कि ज्वालामुखी फटने का कौन कौन सा कारण होता है। एक तो कारण अर्थक्वेक में वोल्केनो खुद एक कारण है, क्योंकि कहीं पर वोल्केनिक इरप्शन होता है, जैसे हवाईयन द्वीप में हो रहा है तो लावा लगातार बाहर आ रहा है, तो वहां का वॉल्यूम जो होगा नीचे का लावा का वो खत्म हो गया और इसके चलते अनबैलेंस होता है और वहां से वेव जनरेशन शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग तो ये प्लेट में वोल्केनो को देखते हैं, यहां से हम प्लेट टेक्टोनिक इस रीजन से हटा देते हैं क्योंकि इसको हमने आपको बता दिया। वोल्केनो का कारण देखेंगे, इसका पढ़ेंगे हम लोग, वोल्केनो ज्वालामुखी का। आमतौर पर जब मैग्मा बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं। अब ये आता क्यों है, अलग अलग कारण से। पहला है कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, मतलब होता क्या है कि जब दो इस प्रकार की प्लेट जिसमें मूवमेंट दो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है मैग्मा का, ऐसे इस प्रकार से हो रहा है, तो यहां पर ये सारा पृथ्वी का हॉट स्पॉट होता है और मैग्मा का फिल्यूम होता है, जहां लगातार इस प्रतिक्रिया के कारण
दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाता है, तो यहां पर मैग्मा ऊपर आना शुरू हो जाएगा और ये वोल्केनिक इरप्शन को जन्म देगा। जैसे उदाहरण है इसका मिड अटलांटिक रिज, जो मध्य अटलांटिक कटक है वह इसका उदाहरण है। अटलांटिक महासागर में ऐसा अक्सर होता है और हमेशा होता है। तो पहला तरीका ये है देखना है। दूसरा कि जब प्लेट की कन्वर्जेंस की चांस हो, जैसे ये प्लेट को हमने दिखाया कि इस साइड में मूवमेंट कर रहा है, तो एक ही पिक्चर में दोनों आपको दिखाते हैं कि ये इधर मूव कर रहा है। इस मूवमेंट के क्रम में कोई इस साइड का प्लेट है इधर का और इसकी इसकी डेंसिटी कम है, तो ये प्लेट इसके अंदर चला जा रहा है। देखिए ऐसे ये यहां नीचे की ओर जा रहा है ये प्लेट, और यहां पर ये जगह पर ये ट्रेंच बन रहा है, खाई बन रहा है। तो ये जब नीचे चला गया तो यहां मैग्मा है और ये मैग्मा ने इसको मेल्ट कर दिया, और जब मेल्ट कर दिया तो यहां पर वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गया। इस प्रकार का उदाहरण होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर में इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा घटती है, बहुत तेज गति से घटती है। अब ये तो वोल्केनिक इरप्शन का दो प्रमुख कारण है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट और दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्लेट। ये दोनों जो हमने आपको यहां पर पिक्चर के रूप में दिखाया है। तीसरा कारण होता है फोल्डिंग माउंटेन। हम इसको मिटा देते हैं, आप अगर पिक्चर बना लिए होंगे आप, तो तीसरा जो कारण है वह होता है फोल्डिंग माउंटेन। ये जो फोल्डिंग माउंटेन है ये कैसे काम करता है, अब आप देखिए ज्वाला, यही कारण है कि ज्वालामुखी मोरदार पर्वतों के नजदीक पाए जाते हैं। अब ये पहला स्ट्रक्चर है अर्थ का और यहां पर रॉक है, इसके नीचे भी रॉक है, ऊपर भी रॉक। ये रॉक सॉलिड है और सॉलिड का कारण क्या है, यहां पर यहां का प्रेशर हाई है, टेम्परेचर भी हाई है, लेकिन चूंकि प्रेशर हाई है इसलिए यहां पर सॉलिड के रूप में ये है। अब देखिए जैसे ही दोनों साइड से टेम्परेचर के जगह पर स्ट्रेस पड़ेगा, तो ये जब स्ट्रेस पड़ेगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से होगी। अब इसी पिक्चर में आपको एक पिक्चर और ड्रॉ किए हैं जो डॉटेड लाइन में आपको दिख रहा है, मतलब पहले पृथ्वी स्ट्रेट लाइन के रूप में थी और अब देखिए ये डॉटेड लाइन के रूप में हो गया। तो ये जो डॉटेड लाइन के रूप में हुआ है पृथ्वी, ये डॉटेड लाइन फोल्डिंग हो गया। तो जैसे ही देखिए, अब इसको देखिए, ये लाइन जब फोल्ड करेगा तो यहां का जो प्रेशर है ये प्रेशर रिलीज होगा, यहां भी प्रेशर रिलीज होगा, और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो ये टेम्परेचर इस चट्टान को पिघला देगा। तो दिस टेम्परेचर इज सफिशियंट टू मेक द रॉक। अब जैसे ही चट्टान पिघलने लगेगा, ये चट्टान जैसे ही पिघलेगा तो जाहिर सी चीज है कि धीरे धीरे इस चट्टान पर, मतलब ये जो चट्टान है जिसमें पिघल रहा है बहुत तेज गति से पिघल रहा है, तो इस चट्टान में क्या होगा कि मेल्टिंग शुरू हो जाएगी, और ये मेल्टिंग के चलते यहां पर वोल्केनिक इरप्शन शुरू होगा। यही कारण है कि जहां जहां भी फोल्डिंग माउंटेन है उस सारे जगह पर ज्वालामुखी बना है। उम्मीद है कि एक कारण भी आपको जरूर समझ में आया होगा। तीसरा होता है वाटर। अब आपको लगेगा कि वाटर कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। जब मैग्मा के टच में वाटर आता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पर वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो जलवाष्प होगा, हाई टेम्परेचर पर जो जलवाष्प होगा वो कैसे काम करेगा। अब सोचिए कि ये अर्थ के नीचे में मैग्मा के कॉन्टेक्ट में कोई वाटर है,
तो जैसे वो हाई टेम्परेचर पर जाएगा वो इसको काट देगा, वाटर वेपर बन गया, बहुत स्पीड से आया, तो यहाँ पर फिशर्स बन जाएंगे और उससे वो बाहर आना शुरू हो जाता है मैग्मा। तो तीसरा कारण जो है, थर्ड कारण ये होता है ज्वालामुखी फटने का कि वाटर, इसमें पानी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। साथ में आप कहीं कहीं पर देखते होंगे जैसे जियोथर्मल एनर्जी, हिमाचल प्रदेश में मणिकरण से निकाला जाता है, बिहार में भी आप राजगीर गए होंगे तो वहां पर गर्म पानी का झरना है। इसका कारण क्या होता है कि मैग्मा को टच करके अगर पानी आ रहा है तो वो गर्म हो जाएगा और उसमें सल्फर होगा तो स्किन वाले जो डिजीज होते हैं समाप्त हो जाते हैं। अब इंडिया में अगर देखेंगे तो एक्टिव वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड के पास है, अंडमान निकोबार। दूसरा फोल्डिंग माउंटेन में अगर देखेंगे तो हिमालय बनने के पहले जम्मू कश्मीर में द्रास वोल्केनो बना था। देखिए ज्वालामुखी ऐसे तो पढ़ने के लिए एक्सटिंक्ट, डोरमेंट और एक्टिव, तीन प्रकार का ज्वालामुखी होता है। ज्वालामुखी आप आमतौर पर कभी कभी सुनते होंगे कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया तो लोग बोलते हैं कि लगता है ज्वालामुखी फट गया। तो ज्वालामुखी कब फटेगा इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं है, कोई बहुत वर्षों से ज्वालामुखी नहीं फटा है तो इसको एक्सटिंक्ट बोलते हैं। जैसे इंडिया में डेकन लावा है दक्षिण भारत का, छोटा नागपुर में डलमा का पहाड़ है या राजमहल का पहाड़ है, और डोरमेंट का मतलब होता है जिसका लावा बीच बीच में रुक करके आ रहा है। जैसे मेडिटेरियन सी में है स्ट्रॉम्बली या इटली का वेसुवियस, और एक्टिव का मतलब जहां पर रेगुलर लावा आ रहा है, जैसे अभी हवाईयन द्वीप में आ रहा है मोना लोआ, ये मोना की ये फ्यूजी यामा करके है जापान में, एक कराकटाऊ ज्वालामुखी है कराकटाऊ ये इंडोनेशिया में, तो लगातार जिसमें लावा आ रहा हो एक्टिव हो रहा है। अब ये सारी चीजें ज्वालामुखी को और भूकंप को विश्व का नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कि विश्व नक्शा में कहां पर है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कहां कहां पर भूकंप आ सकता है। देखिए भूकंप का जोन जो जोन है वर्ल्ड में, एक जोन है ये वाला इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, ये देखिए म्यांमार से होते हुए, और ये जोन इंडोनेशिया होते हुए, देखिए यहाँ से ये जावा है, जावा के बगल में ये इधर से ये ऑस्ट्रेलिया के किनारे किनारे ये न्यूजीलैंड की ओर में चला जाता है, ये जो पहला जोन है ऐसे। और इस जोन को इधर जाएंगे तो यहाँ तुर्की है, देखिए ये वाला जहाँ पर हमारा मार्कर दिख रहा है ये तुर्की है, और ये कैस्पियन सा है, और यहाँ से करते हुए बेलारूस यूक्रेन ये फिनलैंड के नीचे ये वाला एक जोन है। दूसरा जोन जो है भूकंप के लिए अगर देखिएगा तो एक ये गुजरात के पास से शुरू होता है यहाँ पर, और यहाँ से होते हुए पाकिस्तान के किनारे किनारे ये ईरान इराक होते हुए फिर ये तुर्की में जाकर के कन्वर्ट कर जाता है। तीसरा जो जोन है वो भूकंप का जोन वो इस किनारे से शुरू होता है, देखिए ये वाला मैक्सिको या अमेरिका है, तो यहाँ से कनाडा की इस साइड से होते हुए ये जोन इसके ठीक किनारे किनारे रन करता है जहां पर दो प्लेट मार्जिन। अगर आप ज्वालामुखी की बात करें तो ये साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन है, तो इसके किनारे ज्वालामुखी है, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी का नाम है चिम्बराजो, चिम्बराजो ज्वालामुखी है, या कोटोपेक्सी है, वो इस जोन में यहाँ। इसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में इस रीजन में ज्वालामुखी है, देखिए ये अलास्का है, इस रीजन में ज्वालामुखी है, यहाँ पर ज्वालामुखी ज्यादा नहीं, एक ही सिर्फ यहाँ पर किलिमंजारो है इक्वेटर के पास, यहाँ जहाँ पर हमने पॉइंट आउट कर रखा है यहाँ पर, बाकी ये पूरा हार्ड रॉक ज्वालामुखी से ही बना था, इसके बाद फिर यहाँ पर नहीं फटता है उतना ज्यादा। ऐसे ही इस रीजन में कुछ ज्वालामुखी है, लेकिन ज्यादा ज्वालामुखी जो है वो इस जोन में पता चलेगा आपको, यहाँ इस रीजन में और इस रीजन में, इस साइड में, इधर की संख्या दोनों साइड की संख्या बहुत ज्यादा है और बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर ज्वालामुखी की रचना हुई है।
तो ये वोल्केनिक जोन है पूरे वर्ल्ड का, और अगर आप इसको देखें तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है जहां पर ये प्लेट ऐसे मूव कर रहा है तो अपोजिट साइड में दोनों कन्वर्जेंस पोजिशन पर जा रहा है, तो सबसे ज्यादा इस रीजन में होता है। कुछ ज्वालामुखी यहाँ मेडिटेरियन सी में इस जगह पर है कुछ ज्वालामुखी। कहाँ कहाँ पर भूकंप भी कम आएगा या ज्वालामुखी भी कम है, उसमें से एक रीजन रशियन सील्ड बोलते हैं इसको, ये वाला रीजन है रूस का, और एक नॉर्वे स्वीडन और डेनमार्क वाला इसका उत्तरी पार्ट है, एक मध्य पार्ट है अफ्रीका का, और एक ब्राजीलियन सीट कहा जाता है ये, इंडिया में साउथ इंडिया वाला पोर्शन है। तो इस इलाके में और अमेरिका का ये रीजन कांसास सिटी के आसपास का रीजन जहाँ पर भूकंप कम आता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जरूर तो लाइक शेयर करिएगा, और आपको दूसरी वीडियो भी चाहिए तो हम आपको भेजते रहेंगे, जेपीएससी मेंस के लिए खास इसको भेज रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और हमसे ऐसे ही जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।